गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से एक ये भी है कि आपकी गाड़ी ओवर हीट ना हो, उसे बचाने के लिए आपने जो है प्रॉपर चेक करना है कूलेंट लेवल। कूलेंट तो कम नहीं हो रहा है, अगर कूलेंट कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं से लीकेज है, क्योंकि वो लीकेज चेक करो अगर आपको दिख रही है, नहीं तो आप किसी टेक्नीशियन के पास ले जाके वो लीकेज चेक करा सकते हैं। जैसे हमारा कूलेंट लेवल भी पूरा है और फैन भी ऑटोमेटिक भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, लेकिन यहाँ से हीट होने के बाद कूलेंट बाहर फेंक रही है। तो हीट क्यों हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये रेडिएटर बिल्कुल चोक हो गया है, जैसे कि वॉशिंग कराते टाइम आप पानी नहीं लगवाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल चिपक गई है, बारिश में चलने की वजह से धूल मिट्टी बिल्कुल चिपक गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से रेडिएटर फैन हवा नहीं खींच पा रहा है। वो चल तो रहा है लेकिन वो जो है कूलेंट को ठंडा नहीं कर पा रहा है, इंजन को ठंडा नहीं कर पा रहा है, इस वजह से आपकी गाड़ी हीट हो रही है। आपको दिख रहा होगा कंडेंसर बिल्कुल चौंक है, इसी वजह से गाड़ी हीट हो रही है, बाकी सब कुछ ठीक है गाड़ी का। रीजन हीट होने का यही है कि यहाँ से जो है जो रेडिएटर की फिंस है वो बिल्कुल चौंक हो रही है। तो आपने वॉशिंग कराते टाइम ध्यान रखना है ये कि रेडिएटर कंडेंसर पर पानी जरूर लगवाना है, जिससे कि आपकी कूलिंग भी अच्छी रहेगी एसी की, और बाकी ये जो फिंस है इसकी ये भी क्लीन होती रहेगी। यही रीजन है इस गाड़ी के अंदर जो गाड़ी हीट हो रही है, बाकी सब कुछ सही है इसका। हीट होने का रीजन यही है कि जो है इसका रेडिएटर बिल्कुल चौंक हो रहा है। देख रहे हैं बिल्कुल चौंक हो रहा है, जिसकी वजह से आप पास नहीं हो पा रही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे वे भी इस चीज का ध्यान रखते रहे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऑटो एक्सपर्ट को। हम इसी तरीके की आपको वीडियो देते रहेंगे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।